13 जनवरी से न्यूजीलैंड में इस साल की अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत की अंडर 19 टीम ने 11 बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है, जिसे भारत 3 बार जीतने में कामयाब भी रहा। इस मेगा इवेंट में टीम इंडिया को तकरीबन दर्जन भर से भी ज्यादा दमदार खिलाड़ी मिले, जिन्होंने टीम इंडिया का नाम दुनिया भर में रोशन किया। आइए एक नज़र डालते हैं उन 6 खिलाड़ियों पर जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप के दम पर टीम इंडिया में दस्तक दी। वीरेंद्र सहवाग साल 1998 के अंडर 19 विश्व कप का हिस्सा थे पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। उस साल के प्रतियोगिता में सहवाग ने 12.66 की औसत से 76 रन ही बनाए थे, लेकिन अंडर 19 से निकलने के बाद इन्होंने मैदान पर क्या धमाल मचाया वो हम सब भली भांति जानते हैं। वीरू ने 1999 से 2013 तक क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 363 मैचों में 16,892 रन बनाए और बता दें कि उनमें 38 शतक भी शामिल है। हरभजन सिंह साल 1998 में अंडर 19 विश्व कप में ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने हिस्सा लिया था। 1999 से हरभजन ने अब तक 367 मैचों में कुल 711 विकेट लिए हैं। अपने शानदार प्रदर्शन के कारण भज्जी को टीम इंडिया का टर्मिनेटर कहा जाता है। युवराज सिंह साल 2000 में खेले गए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का युवराज हिस्सा थे, जबकि भारत के लिए युवराज ने 399 मैचों में 17 शतक की मदद से 11,686 रन बनाए हैं। 148 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले युवी को दुनिया सिक्सर किंग कहती है। सुरेश रैना ने 2004 अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग लिया था। उन्होंने अब तक 306 इंटरनेशनल मैचों में 7 शतक की मदद से 7,643 रन बनाए हैं। T20 क्रिकेट में सुरेश रैना दुनिया के घातक बल्लेबाजों में जाने जाते हैं। रोहित शर्मा इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी का रुतबा रखने वाले रोहित शर्मा भी अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से निकले सितारे हैं। 2006 में वो इस मेगा इवेंट का हिस्सा थे। अब तक रोहित ने 269 इंटरनेशनल मैचों में 21 शतक की मदद से 9,493 रन बनाए हैं। विराट कोहली टीम इंडिया के मौजूदा कैप्टन विराट कोहली भी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप से निकले खिलाड़ी हैं। 2008 में उन्होंने अंडर 19 टीम का नेतृत्व करते हुए खिताब जिताया था। विराट इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 321 मैचों में 52 शतक की मदद से 16,287 रन बना चुके हैं।